आज घर बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण स्त्रियों में लड़ाई। वह स्त्री स्वरूपा जो माँ अपनी बेटी को घर में अपनी में 9-9 बजे तक सुलाती है, 8-8 बजे तक सुलाती है, उसके सभी अपराधों को क्षमा करती है, लेकिन वही बेटी जब किसी के घर में बहू बन के पहुँच जाए और 7 बजे तक भी सो जाए तो अपराध बन जाता है, 6 बजे तक भी सो जाए तो अपराध बन जाता है। वो आजकल की सास इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि बहू आ गई, विधि मिश्रा जी के वो चल लेंगे सुन लेंगी, पैमान महाराज जी के ज्ञान सुन लेंगी, लेकिन फिर भी उनका अभिमान नहीं जा रहा। हालत ये हो रही है मंदिरों में, सास तो चली जाती हैं सुबह सुबह डोलची लेके टांग के, बहू अकेली लगी है घर में काम कर रही है, नई नई बहू आई है, काम करने का इतना तरीका नहीं है, अनुभव नहीं है, पूछे किससे, वही सुबह का समय हो होता है, घरों में पतियों को और घर के अन्य लोगों को जब ड्यूटी जाना होता है, काम पे जाना होता है, अकेली बहू काम पे लगी है, बच्चों को तैयार करती है स्कूल, उसके नाश्ता बनाती है, खुद अपना मंजन करके फ्रेश होने के बाद में नहाने तक का बड़ा मुश्किल से टाइम निकालती हैं, फिर लगी रहती हैं। सास को पता है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घर में काम बहुत ज़्यादा रहता है स्त्रियों का, उस समय ही सास घर से भरक जाती हैं, हम पे नहीं होता काम, ये कह के सास भरक जाती हैं, बहुएँ लगी हैं, उनको पता है कि सास भी जब मंदिर से घूम के आएंगी, आते ही 9 बजे उनको नाश्ता पानी कराना है, नहीं कराएंगे तो बदनाम कर देंगी, और सास भी ऐसा नहीं है कि मंदिर से पूजा करके आ जाए, आने में जाने में पूजा करने जितना समय लगे, तो 4 महिलाओं से और बतियाँ आएंगी, 4 से गप लगाएंगी, दरवाजे दरवाजे 10-10 लोगों पे, जिन महिलाओं की बैठने की आदत हो गई है वो बहुत ही गंदी है। अगर आप सुबह कहीं नहीं जाती हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन जाती हैं तो ज़्यादा पंचायत करने का जो स्वभाव रहता है वो बहुत ही गलत है। आपके घर में अगर नई बहू आई है, काम के समय में उसका हाथ अपनी बिटिया समझ के बटाना चाहिए। कोई अपने कलेजे की टुकड़ी अपनी बेटी को जब दूसरे घर में ब्याहता है ना, तो सबसे ज़्यादा उस सास से डरता है कि देखो उस घर की सास कैसी है, देखो उसकी सास ने अपनी सास की सेवा करी है क्या, देखो उस घर की सास है हत्यारी तो नहीं है कि कम बहू खा जाए। तो सासों का स्वभाव इतना बदनाम होता है कि जानती है पति तो ड्यूटी चली जाती हैं, फिर दिन भर एक बहू को सास के साथ में ही रहना पड़ता है। जब एक माँ अपने कलेजे की बेटी को देती है दूसरे के घर में, तब वो डरती है कि हमारी तरह ही लाड़ प्यार करने वाली उस घर में वो औरत है या नहीं, अपने बेटे को खूब लाड़ प्यार करने वाली अपने बेटे को यही उम्मीद करती है बेटे को जल्दी खाना मिले, और बहू थोड़ा भी लेट हो जाए तो बहू पर चिल्लाती काहे बहू ये काम नहीं कर पाओ, कहाँ पंचायत कर रही। जबकि सासों को भी घर में हाथ बटाना चाहिए, बहू काम कर रही है उस समय बच्चों को संभालना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, क्योंकि बहू तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करने के लिए आई हो, बच्चों को संभाल लेंगी। रोटी पानी करने के बाद जब पति लोग ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब आप काम से घर के से निर्वर्त हो जाओ, 9 बज जाएँ चाहे 10 बज जाएँ, उसके बाद पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं है पति ड्यूटी जा रहा है 8 बजे बड़ी टाइम पर, तुम भगवान की घंटरिया हो ला गई, पति डर के मारे कछु कह नहीं रहो, क्यों नहीं कह रहा भैया भगवान की पूजा कर रही है, कहेंगे तो पाप लगेंगे, ताते भैया चले जाओ, पति फिर जा रहा है गुस्से में बाजार में 2 हलवाई के समोसा खा रहा है, समोसे उल्टे खाए सूदे खाए घर आके फिर बीमार हो गए। अरे पति परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य में यही भावना रखना चाहिए, सुबह जगते ही बालक में बच्चे में पति में ससुर में सास में सब में नारायण भगवान का वास है, कण कण में आप शिव भक्त हो तो समझ लो कि सब में शिव का वास है। मंदिरों में तो उनके लिए भगवान हैं, जिनको घरों में भगवान नहीं दिखते, भगवान प्रत्यक्ष वृक्षों में भगवान हैं, पंछियों में भगवान हैं, कण कण में भगवान हैं। अपने हृदय के भगवान को जगाओ, अपने हृदय में मक्कारी छल कपट ईर्ष्या द्वेष को दूर करो, आपके हृदय में भगवान ज्ञान रूप में प्रकाशित करो, अपने हृदय के दीपक को जलाओ, अपने हृदय के अंधकार को दूर करो,
दूसरे की जो बहन बेटी आती हैं आपके घर में बहू बन के, उनके काम में हाथ बटाओ, सब काम से फ्री हो जाएंगे, वो भी तारीफ़ करेंगे, हमारी सास बहुत अच्छी है, हमारी सास खाना बनाओ तो सब्ज़ी काटने आ जाती है, हमारी सास कपड़े धोती हों तो कपड़े को उठा के सुखाने के लिए छत पर डाल देती हैं, तो मुझको बड़ा सहारा मिलता है। हमारी सास बहुत अच्छी हैं, मैं जब पूजा पाठ करती हूँ बच्चों को संभाल लेती हैं, मैं जब खाना बनाती हूँ बच्चों को संभाल लेती हूँ। वही घर धन्य है जिनके घर में सास सहयोग कर देती हूँ। सास सहयोग करेंगी तभी तो बहुएँ रात को पैर दबाएंगी आपके, बहुएँ पैर दबाएँ तो समझ लो बहू खुश है, नहीं तो पीठ पीछे बहुएँ कहती हैं कि सास का तो गला दबा दूँ, जब तंग करोगे तो बहुएँ कौन सी कम है, तुम सास और बहू भी तुम्हारी बहू हैं, तो सास बहू की लड़ाई चलती है, तभी तो सास बहू सीरियल बन गए हैं, सास बहुओं की ये लड़ाई ऐसे ही दूर हो जाएगी। अब सास अपने हृदय में ये सोचेगी कि मेरी बहू नहीं, ये लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बिटिया है। जैसे मन मैना मैया इम्बान जी की पुत्री पार्वती जी की देख रेख करती थी, मकबलों पर सोती थी, सब का ध्यान रखती थी, बड़ी तपस्विनी थी, ऐसी आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी बहुओं को। नोटों की गड्डियां लेकर जब बहू आती है शादी होके, बड़ी अच्छी लगती है बहू, 10 लाख दहेज मिला है, 11 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये साड़ी वो साड़ी मेला ले, ये काम का टाइम आ गया तो बहू को छोड़ के अकेली भाग जाती हो, भैया बड़ा ही गलत है। आप अगर हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, सास से बाना ले लेती हैं, तंग हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग करो मिल बाँट के। नौकरानी की तरह अगर अकेली बहुओं को छोड़ दोगी तो वो तो पीठ पीछे अपनी सहेलियों से कहेंगी सास बेकार है, तो जब बुढ़ापा आएगा ना तो हालत ख़राब कर देंगी बहुएँ। मन प्रेम बनना शुरू होता है शुरू से, एकदम बुढ़ापे में कहोगे ना सास बहुएँ मन प्रेम बन जाए, नहीं बनेगा। मन प्रेम बनाने के लिए जब बहू आए जब से शुरू करो, छोटी मोटी बातें अपनी बेटियों की इग्नोर करती है, उसे बहू की भी इग्नोर करना चाहिए। ये नहीं बेटे से लगा दी, बेटे का दिमाग ख़राब कर दिया, बेटे ने हाथ पैर बहू के तोड़ दिए, बहू जी डली है, सास की चुगलियों से ही कई बहुओं के घर बिगड़ गए। एक सास का भी बहुत बड़ा योगदान होता है घर में बहू को टिकने देने का। सास अपने बेटे से तुरंत चुगली कर देती हैं, बेटे कई कान के कच्चे होते हैं, माँ की सेवा समझ के बहू में दे लट बहू को सुझा देती है, ऐसा गलत है। कई घरों में बहू भी गलत हैं तो कई घरों में सास भी गलत हैं। स्त्री का स्वरूप पूजनीय भी है, लेकिन स्त्री बहुत जल्दी बातों में भी आ जाती है और दूसरों को बातों में ले भी लेती है। तो घरों का आजकल कलयुग में बहुत हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं है कि आज बड़े कथाकार आए हैं घर को छोड़ गए बहू के भरोसे, तो बहू का घर में दीवारों से मुड़ दे, तुम कथा सुनने जा रही हो ताला लगा के बहू को भी ले जाओ कथा सुनने, बच्चों को भी लगाओ कथा तब सुनो। घर के काम से बरक के सास आजकल निकल जाती हैं कहीं कथा सुनने कहीं सुनने, घर में सास बिल्कुल ध्यान नहीं दे, बहू आ जाती हैं तो माल की करने खुद है, कौन है का देना हो, कितने पैसा देना हो, कितने किसको देना है, काम करने के लिए बहू है, झाड़ू लगाने के लिए बहू है, पोंछा लगाने के लिए बहू है, तुम्हारी लेटरिन साफ़ करने के लिए बहू है, बाथरूम साफ़ करने के लिए बहू है, तुम्हारे कपड़ा सुखाने के लिए सब बहू है, सुबह शाम तुम्हारे कारण चाय बनाने के लिए सही है, पनीर पकौड़ा बनाने के लिए तुम्हारी बहू है। अरे भैया बहू तो सब काम के लिए है, तुम्हारी सेवा करे, फिर तुम्हारी मोड़ा की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, लेकिन आपका फर्ज है कि कुछ सहयोग बहू का भी करें। आप पूजनी बन जाएंगी, बहुओं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। अच्छी सास वही है जो अपनी बहू को संभाल के रखे, वो नहीं कि बहू की जा जाके हर जगह चुगली करे, पार्टी करे, चार दरवाजों पर जा जाके घूमे। अरे घर के काम करके तुम भी घूमो, बहू भी आराम से लेटेगी। जो काम बहू को 6 घंटे काम करने में लगती हैं आपके सहयोग से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो भैया सास भी पूजनी है, बहू भी पूजनी है, लेकिन सबका एक दूसरे का हाथ बटाते चलो। गाड़ी में पहिए होते हैं तो एक पहिया नहीं चलता, 4 पहिए चलते हैं जब उस पर आदमी सवारी सफ़र करता है, 4 पहिए बराबर चलते हैं, एक पहिया आराम करने के लिए निकाल दो गाड़ी पलट जाएगी। ऐसा नहीं है भैया, सब पहिए बराबर चलो, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, अब एक पहिया सास है मान लो, एक पहिया ससुर है, एक सास है एक बहू है, अब एक पहिया पंचर कर दो बहू के बिना चल जाएगी, सास के बिना नहीं चलेगी,
दोनों पहिए चलाओ, तब साइकिल बैठ के तुम्हारी गृहस्थी के रूपी जो मनुष्य है वो पार लगेगा। जय श्री राधे कृष्ण। इतने सही समझ जाओ, लंबी वीडियो हम बनाएंगे नहीं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हें भी अपनी सास की कसम है और ससुरों को भी, तुम्हें भी अपनी बहू की घरवालियों की कसम है, वीडियो लाइक शेयर कर देना।